दोस्तों, नया प्रिंटर लेना चाहते हो तो आप देख ही रहे हो कि मैंने कौन सा प्रिंटर परचेस किया है। तो आप नया प्रिंटर लेना चाहते हो घर के लिए यूज करने के लिए, या आप स्टूडियो के लिए यूज करना चाहते हो, या फोटोग्राफी के लिए यूज करना चाहते हो, या आप कोई आपका साइबर साइबर कैफे है कलर फोटो निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये लेट 100 प्रिंटर, उसके आगे वाला जो वर्जन है अभी का ये 805 वर्जन, ये सबसे बेस्ट प्रिंटर है फोटोग्राफी के लिए। मैं भी काफी दिनों से परेशान था, मतलब कि मैं 8-10 सालों से जो प्रिंटर यूज करते करता आ रहा हूँ, जो प्रिंटर है वो यही प्रिंटर है इप्सन के लिए रेंज के। इसमें दो प्रिंटर आते हैं, लेकिन इसकी रेंज तो मेरे हिसाब से, इसकी जो प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस में मुझे मिला है 16,500 रुपये में। आपको लगभग एक 18,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर आप उसके लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो आपको कहूँ कि आपके बजट इतना नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रिंटर इतना सस्ता में पड़ जाता है, उसको लगभग 2-3 लाख रुपए आप कमा सकते हो 1 साल के अंदर ही। मतलब कि आप छोटा सा स्टूडियो निकालना चाहते हो, उसमें पासपोर्ट फोटो या 6x8, 5x7, 8x12 या फ्रेम अर्जेंट देना चाहते हो, तो ये सारा काम इस प्रिंटर पे हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा स्पीड है कि 15 सेकंड के अंदर आप प्रिंट आउटपुट निकाल सकते हो। जो पुराना प्रिंटर है L800, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड कम है और उसका जो प्रिंटिंग की क्वालिटी वो भी थोड़ी सी इसमें ज्यादा एडवांस की गई है। तो ये प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही लीजिए, इसमें जो थर्मल प्रिंटर आते हैं वो छोटे से 6-7 हज़ार रुपये के, आप आउटडोर में कोई प्रिंटर यूज करना चाहते हो, फास्ट बाहर से बाहर फोटो देना चाहते हो, तो वो भी प्रिंटर बेस्ट है। 6-7 हज़ार रुपये के रेंज में आता है, मुझे याद नहीं उसका मॉडल नंबर, आप जानना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक देता हूँ। और एक प्रिंटर है इप्सोन का ही, वो भी थर्मल प्रिंटर ही जैसा है, लेकिन वो भी कार्टेज वाला प्रिंटर है, उसमें भी 6-7 नहीं शायद कुछ 15-1 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है, लेकिन वो प्रिंटर की प्रिंट जो है वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, लगभग 15 से 16 रुपए की एक प्रिंटिंग पड़ जाती है। इसकी जो प्रिंटिंग है ये लगभग 2.5 से 3.5 हज़ार रुपए के आसपास आपको पड़ जाती है, मतलब कि आपकी इंक जितनी ज्यादा क्वालिटी के लोगे उतनी इमेज क्वालिटी आपको ज्यादा बेस्ट मिल जाएगी। और इसकी जो पेपर यूज करना है तो मेरे हिसाब से तो आप नोवा का पेपर यूज करेंगे तो आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी मिल जाएगी, लगभग लैब की जैसी क्वालिटी मिल जाएगी आपको। मैं जो पेपर यूज करता हूँ वो नोवा का 264 GSM का पेपर यूज करता हूँ, उसमें 8x12 का भी पेपर मिल जाता है और 4x6 का भी पेपर मिल जाता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं और उसके चालू चालू में आपको कुछ एडवाइस भी देता हूँ, ये प्रिंटर कैसे यूज करना है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। अगर आप मेरा स्टूडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक भी दिया है, मेरा स्टूडियो कितना बड़ा है, हमारा छोटा सा स्टूडियो है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। और ये बिजनेस करना चाहते हो तो लगभग मेरे हिसाब से तो अच्छा प्रिंटर होना चाहिए। क्या होगा कि आप 8-12 तक प्रिंटर अर्जेंट निकाल सकते हो। अगर आप सस्ते वाले प्रिंटर लोगे तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है और प्रिंटिंग भी ज़्यादा महंगा पड़ जाती है। ये प्रिंटर एक जगह पे रखने के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर है। इसके साथ में देखिए ये एक पावर केबल है, यहाँ पर 6 टैंक इंक मिल जाती है, देखिए ये ऐसे है, ओके। और ये एक USB है, उसकी इंस्टॉलेशन की ये सीडी है, इसको मैं इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाता हूँ। और एक बड़ा बॉक्स है प्रिंटर का, एक उसमें सीडी प्रिंटिंग भी हो जाती है, लेकिन सीडी प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और भी एक कहूँ तो एक इसमें एक आगे वाला जो मॉडल है, मॉडल नंबर नहीं है याद, लेकिन उसमें स्कैनर विथ प्रिंटिंग, कौन सा है, 810। 810, हाँ, ये 810 का जो प्रिंटर है उसमें स्कैनर विथ प्रिंटर है, लेकिन उसकी प्राइस है तो ज़्यादा ज़्यादा प्राइस है, लगभग 25,000 के आसपास प्राइस है, 25 से 28 हज़ार रुपये के। ये मेरा मेन फोकस तो इस पे था, मैंने दूसरे प्रिंटर को देखा भी नहीं, जो मैं 6-7 सालों से जो यूज़ करता हूँ यही प्रिंटर है। ये मेरा एक दूसरा प्रिंटर है सिर्फ, मैंने पहले जो लिया था उसका हेड खराब हुआ था, तो एक बार वो डेट हो गए तो उसको कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी बताती है 1 साल की वारंटी, लेकिन हेड चेंज करके भी उसको ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिल गई, इसलिए प्रिंटर ही चेंज करना पड़ा। कंपनी ने जिसका जो वारंटी दिया है 3,500 प्रिंटिंग की,
सारे स्टिकर बराबर निकल लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि कोई स्टिकर रह गया तो उसको एरर आ जाता है। और दुकान से इंस्टॉलेशन करके मत लाइए, नहीं तो क्या होता है कि उसका जो इंक है वो अंदर इधर उधर हिल गया तो आपका जो सेटअप है वो फ्लैट होता है। इसलिए आप एक जगह पे लाकर उसका सेटअप करोगे अपने शॉप पर या अपने घर पर तो वही बेटर रहेगा, इसलिए आप ऑनलाइन भी खरीद लो। ये देखिए इसका जो टैंक है 6 इंच का टैंक है, अजून कुठं काय राहिलं असं याचं आपलं प्रिंटर व्यवस्थित चालू झाला पाहिजे ना, व्हिडिओचं महत्त्वाचं नाही आपलं, व्हिडिओ तर चालू नाही ते बंद होऊन जाईल। ठीक आहे, अजून काय राहिलं याचं? हां अभी पहिले उसको इंक डाल के लेना है, नहीं तो इसमें एरर आ जाता है। इसमें देखिए एक ऑन ऑफ बटन है, वाईफाई का बटन है, यहाँ पर एक प्रिंटिंग का पेज का बटन है, यहाँ पर हेड क्लीन करने का बटन है, यहाँ पर डिलीट और प्रिंट रिमूव करने के लिए एक बटन है। तो इसमें जो कभी कभी एरर आ जाते हैं आगे पीछे कोई मिस्टेक हो गया है तो एकदम ईजी है, बहुत सारी जगह पर उसका सेंसर है, जल्दी नहीं आता है, कभी 1-2 साल बाद आ जाएगा। कभी इंक का एरर आ जाता है, इंक ख़त्म हो गया तो, नहीं तो पेपर आपका जाम हो गया तो उसका एरर भी आ जाता है कभी कभी। तो एरर का कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, तो मेरा वीडियो आप देखते रहो ऐसे ही। एक बार आपने जो इंक डाला ना एक पूरे के पूरे 6 बॉटल, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो जितने कलर के जो फोटो होते हैं, मतलब कि जितने कलर बिट्स वाले फ़ोटो होते हैं 16 बिट या 18 बिट या 12 बिट जो इमेज क्वालिटी होती है उससे से ज़्यादा इंक लिया जाता है, ज़्यादा तक तो मैजेंटा और येलो कलर ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। जल्दी जल्दी से उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और लगभग एक बार आपने टैंक फुल किया तो लगभग 6-7 हज़ार प्रिंट तो हमेशा निकल जाता है, मतलब कि 3-4 महीने तो टेंशन नहीं। आपका ज़्यादा फास्ट यूज़ करते हैं, मतलब कि दिन में से आप जैसे कि 25-30 फोटो प्रिंट निकालते हो तो आपको 3-4 महीने तक तो इंक जाएगी ही जाएगी। अगर आपका 5-10 प्रिंट निकल जाता है तो आपको कम से कम 7-8 महीने तो इंक चली जाएगी, वैसे कोई टेंशन नहीं। इसीलिए तो मेरे ख्याल से तो ये प्रिंटर बेस्ट रहेगा। अगर आप थर्मल प्रिंटर लोगे तो उसमें क्या होता है कि कटिंग करना नहीं, मतलब कि जो 4x6 पेपर है या 6x8 पेपर है उसमें जो चाहिए वो प्रिंटिंग नहीं कर सकते, उसमें लगभग तो 6x8 की ही प्रिंटिंग हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रिंटर आपको बेस्ट रहेगा डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालने के लिए, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालने के लिए। इंक पर कुछ कोड रहता है लेकिन वो कोड अभी ये प्रिंटर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये इसमें जो नाम लिखा है लाइट मैजेंटा, इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर के लिए इंक उसमें डाली है। अभी उसमें सारे इंक जो डाल दिया हूँ तो अभी उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये नीचे कर यहाँ पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, यहाँ पर 4x6 पेपर के लिए ऐसे सेट करना होता है और A4 के लिए इतना बड़ा, ये फिट रखेंगे तो प्रिंटिंग आपको इधर उधर कोई भी स्ट्रेट प्रिंटिंग आ जाएगी। अगर ये पूरा रखेंगे और 4x6 छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाती है, प्रिंटिंग थोड़ी सी क्रॉस एंगल में आ जाती है, इसलिए इसको बराबर 4x6 के साइज़ में जो इधर स्टॉप दिया है उसको वहाँ पर सेट कीजिए। यहाँ पर 3D प्रिंटिंग होती है सिर्फ, लेकिन 3D प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कभी हमने किया भी नहीं। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पावर केबल है, यहाँ पर उसका USB केबल है PC ज्वाइंट करने के लिए। चलो, और जो ये CD है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे फटाफट और आपको टेस्ट प्रिंट तुरंत दिखा देते। इसका जो मैनुअल है तो
तो हम 2 7 8 सालों से यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए प्रिंटर के साथ में। अगर आप पुणे में रहते हो तो पुणे में ये प्रिंटर आपको 16,500 रुपये में मिल जाएगा पुणे में। अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो ऑनलाइन प्राइस उसका 18,000 रुपये। हमारा जो पुराना प्रिंटर है अभी एल 800, उसको हम साइड में रख देते। इसको एक बार रिपेयर किया, उसका हेड डाला था। हेड कितने में आया था भाई? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में हेड आया था, तो भी उसको कुछ हेड क्लीनिंग दिया तो भी कुछ क्वालिटी सुधर नहीं गई, इसलिए नया ही ले लिया। लगभग उसका प्रिंटिंग है एल 800 का 7 8 हज़ार प्रिंटिंग हो गया। 4x6 कुछ 8 बारह, कुछ 6x8 ऐसे करके। तो उसका ऑल प्रिंटिंग देखना चाहते हो तो आप डिलीट का बटन और पावर बटन ये प्रेस करके। चालू कर कर चालू चालू में प्रिंटर पहले ऑन करना है, उसके बाद में सेटअप करना है। तो सेटअप करके लेते फटाफट। सीडी रोम चालू है रे ऑटो ऑटो इंस्टॉलेशन का। इंक तर काहीच भरला गेलेलं नाही असं म्हणते ते। या प्रिंटर मध्ये त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टाइमला इंचार्ज होण्यासाठी मला वाटतं ते बटन दाबायला लागतं। बटन दाबून धरायला लागत असणार आहे असा अंदाज बरं का? आणि 20 मिनटं लागतात त्याला कवर व्हायला। हो 15 20 मिनटं। 15 20 मिनटं काय स्मार्ट नाही काय ती सगळा हा प्रिंटरचा वर वाट लागली हात बाहेर कसे झाले चुकीने झाली। काय चुकीने झाली? त्याला चांगला टँक दिलाय वेस्टिंग आतमध्ये पडण्यासाठी, त्याला बॉटल लावून ठेवले। बॉटल लावून ठेवले ते आलतं मेंटेनन्स वाला बघून गेलं त्याने बॉटल इंक लावली ना सगळी इंक खाली सांड। हेड क्लीन केली खाली, हेड क्लीन केली खाली। मग काय मी पण लावली होती आता माझी इंक ते आहे ना खाली लावली मी, पण मी बॉटल एकदम व्यवस्थित सेफ ठेवलेली। बघ की त्याच्या नळ सोडले ते मी प्रिंटर रिपेअरिंग वाले थोडं मिस्टेक केली होती। सलाइन पेचचं तोंडाने पेनीपेक्षा हातात लावल्याने लवकर बरं होतं माणूस। तो थर्मल प्रिंटर किती महाग जातो माहिती तुला? 60,000 रुपयाच्या रेंज पर्यंत येतो थर्मल प्रिंटर। थर्मल हा, आणि त्याच्यात फक्त 1 6x8 ची प्रिंट होते जास्तीत जास्त। हा, आणि ती प्रिंटिंग जवळपास काहीतरी 8 साडे 8 रुपयाला पडते 1 6x8। काय परवडतो तो? आणि 4 6 निघतच नाही, 8 12 पण निघत नाही, आणि मॅट फिनिश पण निघत नाही त्याच्यात। बोमला म्हणजे ग्लॉसी फक्त, आणि जो एकदा रोल घेतला रोल परत काढणे नाही। त्याच्यामुळे हे
यूज अँड थ्रो चांगली गोष्ट आहे. एकदा यूज करायचा, खराब झाला का फेकून द्यायचा. प्रिंटरला रेडी व्हायला बराचसा वेळ गेला, 15-20 मिनिट चले गए उसको रेडी होने के लिए. हाँ थांबना, टेस्ट करून पाहू ना. टेस्ट कर, हे करा लागेल, हेड क्लीन. नाही नाही, काही करायची गरज नाही. टेस्ट प्रिंट. बरं ठीक आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे. हाँ पहिले टेस्ट प्रिंट करके लेते, देखते टेस्ट प्रिंट. हाँ इसलिए जो अपना ब्लैक पेपर है उस पर करते सॉफ्टवेयर से, और फिर फोटो प्रिंट देख कर देते. हाँ त्याची सेटिंग पण करायला लागेल जरा. आधी टेस्ट प्रिंट बघू. नोजल चेक है, यहाँ से आप टेस्ट प्रिंट दे सकते हो. नोजल चेक कर नंतर ही. ऊपर के जो लाइनिंग आते हैं यहाँ पर गुड प्रिंटिंग आना चाहिए, या नहीं तो जो प्रिंटिंग में लाइनिंग है कलर में यहाँ पे ब्लॉक नहीं दिखना चाहिए. तो वैसे ऊपर की जैसे गुड प्रिंटिंग लिखी है वैसे आपकी प्रिंट आ गई तो बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलेगी. चेक करता हूँ पहले ठीक आते कि नहीं. ये देखिए, ये जो कलर है 6 कलर ये पूरा ऐसे लाइनिंग आना चाहिए, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं दिखना चाहिए. अगर ये ब्लॉक देख गए तो आपको हेड क्लीनिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा, तो ये आपकी प्रिंटिंग राइट आ जाएगी. नहीं तो उसमें एक लाइनिंग आ जाता है प्रिंटिंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हेड क्लीन देना पड़ता है, ये बाद में देने की ज़रूरत है. यहाँ पर आपके टोटल पेजेस कितने प्रिंटिंग हो गए ये सारी इंफॉर्मेशन इस पेपर पे आ जाती है. अगर ये निकालना चाहते हो तो एक दूसरा भी एक ऑप्शन है, आपको ये डिलीट वाला बटन और ये डिलीट बटन और पावर बटन, पहले डिलीट का बटन प्रेस करना है 2-3 सेकंड, उसके बाद में पावर का बटन दबाना है. तो ये दोनों बटन दबाते समय हेड क्लीन होकर नोजल चेक होकर आपको ये टेस्ट प्रिंट मिल जाएगा ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें पता चल जाता है. अभी 4x6 प्रिंट निकल के देखते आपको प्रिंटिंग दिखाता हूँ कलर वाली कैसे है. वाइट करा था